हमने भी 10 वकीलों की एक लिस्ट बनाई है जो हमारे किसान भाई जिन पर इस आंदोलन में झूठे केसों में उनको फंसाया गया है उनके केस मुफ्त में लड़ेंगे। और हमने ये तीनों काले कानून ढंग से पढ़े हैं, इसमें किसानों के हकों की कोई बात नहीं की गई है, ना तो इसमें कोई MSP का प्रावधान है, और जो किसानों का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कोर्ट में जाने का वो भी छीन लिया गया है। तो मेरी इस मंच से अपील है कि जब तक ये तीनों काले कानून वापस ना हो ये आंदोलन आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी का। बहुत ही थोड़े समय के विच उन्होंने अपनी गल जी रखी है। हुण पहुंचे उन्होंने सेवा मेरे को काफी देर तो बैठे उन्होंने बेनती करता कि 2 मिनट वास्ते केवल वो अपनी हाजिरी लवान। राजेंद्र सिंह जी सबसे पहले मेरी आवाज आखिरकार तब्बू से बाहर तक आनी चाहिए। सबसे पहले मैं मेरे सामने जो बहने और बेटियां बैठी है इनको सामने झुकता हूँ, और उसके सामने भी उसके बाद भीड़ के सामने मेरा नतमस्तक है। अरे ये देश की मिट्टी सुभाष और करु गोविंद सिंह से छनी हुई है। साधारण बात में जानिए, गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे दीवार में चढ़ा दिए गए और 2 बच्चे उनके जो है युद्ध के अंदर जो है लड़ते हुए शहीद हो गए, और गुरु गोविंद सिंह के पिताजी की वहां टाली चौक में जाकर देख लीजिए, फवारा चौक पर गुरुद्वारा शीशगंज है। और नेताजी सुभाष बोस अगर से मानस कर देते हो तो इस देश के पास कुछ नहीं बचता है। अरे वही तो आजादी का लाने वाला है। क्या गांधी की लंगोटी ने आजादी दिला दी? कदापि नहीं। गांधी तो दलाल था, दलाल नंबर 1। गांधी से कुछ नहीं मिला है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने बंगाल से जा करके अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से फिर जो है जर्मनी और जर्मनी से फिर जो है वो उधर जो है जापान की तरफ आया। उसने उसके भाई ने INA बना रखी थी और वो INA फिर नेताजी को सौंप दी। नेताजी कमांडर बन गया और उसने जिसको 7 बहने कहते हैं आसाम नागालैंड गोवा दी वहां से जो हमला किया, फिर अंग्रेजों ने सोचा कि मारे जाएंगे, तब जाकर छोड़ा है देश अंग्रेजों ने, वैसे ही छोड़ दिया। कंपनी राज था उनका, मैंने वो कंपनी राज भी देखा है, तब मेरी 9 साढ़े 9 साल की उम्र थी और अब मैं 83 साल का आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। दोस्तों जीत हमारी निश्चित है, 100% जीत हमारी निश्चित है। देखिए सारा देश इनके खिलाफ होता जा रहा है, इस कंपनी राज के लाने के चक्कर में कल जो है सरकारी बैंकों ने जो है स्ट्राइक की है। क्या वैसे ही स्ट्राइक कर रहे हैं? तो भाई आप जमे रहिए, 100% आपकी जीत होगी, कोई इसके अंदर नहीं है। और आखिरी बात कह करके मैं अलविदा होता हूँ। अरे जिससे हमारे सांस चलते हैं, जिससे हमें भोजन मिलता है, जिससे हमें जल मिलता है, वही तो है भगवान की शक्ति। क्या आया जहां भगवान बैठा है?
हमने अपनी पांचवी पीढ़ी का नहीं पता पहले कौन था, दसवीं का तो बिल्कुल भी नहीं पता, और वो 10,000 साल पहले के एक मूर्ति के लिए अरबों रुपए खर्च कर रहा है और किसानों को तंग करने के लिए यहाँ बैठा दिया गया है। इससे ज्यादा शर्म की बात होगी? बिल्कुल नहीं होगी। जीत हमारी निश्चित है। यही बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे विदाई लेता हूँ। बेनती करता संत बाबा अमरीक सिंह जी, बाबा परमजोत सिंह जी डेरा शहीद, बाबा दीप सिंह जी पिंड जफर चीगड़ जलंधर तो, वह भी आके अपनी हाजरी में केवल 2 मिनट समय का जरूर ध्यान रखा जाए। श्री नाम संत बाबा अमरीक सिंह जी, संत बाबा परमजोत सिंह जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। समूह संगत के चरणों के विच संत बाबा अमरीक सिंह जी डेरा शहीद, बाबा दीप सिंह जी पिंड जफल झिंगड़ तो आप संगत के सन्मुख आए हैं। गुरमुख प्यारियो, गुरबाणी की एक पंक्ति है, मानस की जात सब है एक है पहचान वो, तो वह अज इतने सिद्ध हो रही है। भावें जालम सरकार ने सानू फिरकुआ च वंड के बहुत फिक पाने की कोशिश की है कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो। अज आप सारे बधाई दे पात्र हैं, जिन्हें हिंदू वीर है, मुसलमान वीर है, ईसाई वीर है, सारा ही भाईचारा इकट्ठा होके मोदी दे कोलों काले कानून वापस कराने वास्ते इस मंच ते इकट्ठे होए आ। ते गुरमुख प्यारियो, ये जेड़ा मोदी है ना, ये साडे सबर नूं जबर नाल वेख रहा है। भावें पिछले दिनों दे विच कितनियां शहादतां साडे वीरां दीआं होईआं, पर कहिंदे कोई विदेशी ना विद्वान कोने ने कितने मुड़ जाना है इतना ही। सो मैं बेनती करता बड़े सबर दे नाल ते वेख लिया आपां, हुण जिदा दा कोई जवाब दिंदा है ना, सियाणे कहिंदे जिदा दा मूंह होवे फिर उदा दी चपेड़ मार देनी चाहीदी है। किसान वीरां दे नाल साडा कानून आण के खड़ गया वकील भाईचारा, इन्हां दा भी बहुत धन्नवाद है। सतगुरु जी कृपा करन, कलगीधर पातशाह जी दे चरणां दे विच बेनती है, तेरे किसानां ने दिल्ली नाल मथा ला लिया, लाज रखी बाजा वालिया, इन्हें शब्द कहिंदा होया। धन बाबा दीप सिंह जी महाराज जी के पावन स्थान वालों आप संगतां दा धन्नवाद करदा जी। गज वज के फतेह बुलायो,
पहला मैं नारा लावांगा किसान मजदूर एकता का, सारे जाने गज के बोले हो जी, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।